हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये एक स्मोकी आई लुक है जो कि आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। इसमें आपको ना ही तो बहुत सारे मेकअप ब्रशेस की ज़रूरत है, या फिर बहुत सारे आई शेडोज की ज़रूरत है, या फिर बहुत सारे टाइम की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सिर्फ ये जो आई लुक है इसे 2 मिनट में ही कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ दैट ईजी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द परचेजिंग लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने सारे प्रोडक्ट्स को अमेजोन से परचेज किए हैं क्योंकि मुझे अमेजिंग से डील्स एंड डिस्काउंट्स मिल गए थे। अमेजोन पे अभी चल रही है अमेजोन वार्डरोब रिफ्रेश सेल फ्रॉम 1st to 6th of June। गेट 50 to 80% ऑफ ऑन टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स, 1000+ टॉप ब्रांड्स, ग्रेट प्राइसेस, अनबीटेबल डील्स, वो भी 4 lakh+ स्टाइल्स में। फर्स्ट ऑर्डर पे पाए फ्री डिलीवरी, 30 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी, ऑल्सो आप डिलीवरी पे भी पे कर सकते हैं। सो हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड शॉप नाउ। सो अभी देख लेते हैं कि ये वाला मेकअप लुक मैंने किस तरह से इजीली अचीव किया है। आज मैंने सबसे पहले आई मेकअप लुक किया है। ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है। ब्लैक आई शेडो लेकर मैं उसे लैश लाइन के करीब करीब इस तरह से अप्लाई करूंगी। रफली अप्लाई करना है क्योंकि इसे मैं बाद में ब्लेंड कर दूंगी। कोई भी मैंने कंसीलर अप्लाई नहीं किया है क्योंकि जो नेचुरल कॉन्टूर जो कलर्स है ना, पिगमेंटेशन है अपनी आई लिड पर, उसी को मुझे चाहिए। तो उसके बाद मार्स का ये जो चीक पैलेट है, यहाँ से जो कॉन्टूरिंग शेड है उसे मैंने लिया है, और फिर मैंने ये ब्लैक आई शेडो के ऊपर एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। एंड यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जितना डार्क आप स्मोकी आई लुक आपको चाहिए उतना ही, मुझे इतना तक रखना था तो बस इतना ही है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। 2 मिनट में आपका स्मोकी आई लुक रेडी है। कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक रिफाइनिंग मिस्ट अप्लाई किया है जो कि काया का है, विच इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद मैंने ये सनस्क्रीन अप्लाई किया है डॉक्टर शेड का। समर मेकअप लुक है तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट हैव, और स्किन को हाइड्रेशन के लिए मैंने वो रिफाइनिंग मिस्ट फेस पर अप्लाई किया था। ये न्यूट्रिजिना का ब्राइट बूस्ट ग्लो मॉइस्चराइजर है जो कि हाइलाइटिंग इफेक्ट ऐड करता है, तो मैंने सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग चाहिए वहाँ पर इसे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। एले गर्ल का जो कंसीलर है उसे मैंने सिर्फ अपने अंडर आइज पर और जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पर अप्लाई किया है। ये ना मेरे स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा डार्क है, 2 या 3 शेड्स डार्क है, बट मुझे ये इसे अप्लाई करना पसंद है बिकॉज इसका फॉर्मुलेशन भी अच्छा है और अच्छे तरीके से ये कलर करेक्ट करता है। तो एज अ कलर करेक्शन मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ और इस तरह से अपने फिंगर टिप से हल्के हाथों से ब्लेंड कर देती हूँ। एंड देन मैं मेबलिन का ये जो फिट मी स्किन टिंट है इसे मैं अप्लाई करूँगी इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। ब्यूटी स्पंज को जब आप ना डैम्प करोगे, मतलब वेट करोगे, तो उसी वेट ब्यूटी स्पंज से अगर आप अपने मेकअप को ब्लेंड करते हो तो हल्का सा एक ग्लो आता है, विच आई लाइक द मोस्ट। और उसे मैं अच्छी तरीके से ऑल ओवर माय फेस अप्लाई कर दूंगी। सिंस मेरा जो आई लुक है वो थोड़ा सा हीवी है, डार्क साइड पर है, तो मैं अपने अंडर आइज को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेबलिन का फिट मी ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसे मैंने अपने अंडर आइज पर और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ऑयलीनेस हो सकती है या स्वेटिंग हो सकता है वहाँ पर मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। ये मेरा शेड है वार्म न्यूड, बट ये थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से। फिर जो ब्रॉन्जिंग एंड ऑल है नॉर्मल, तो मैंने अपने जॉ लाइन को पहले कॉन्टूर किया है विद द सेम मार्स चीक पैलेट। ये ना काफ़ी वर्सेटाइल पैलेट है, इसमें आपको एक कॉन्टूर शेड मिलता है जो कि शेड काफ़ी प्रिटी है, एंड फिर पिंक कलर का एक ब्लश शेड मिलता है एंड एक हाइलाइटर भी आपको मिलता है। सो ट्रैवलिंग के लिए भी ये पैलेट अच्छा है। ब्लश मैं अपने पाम पर इस तरह से ब्लेंड कर देती हूँ ताकि जो एक्सेस ब्लश है ना वो अपने पाम पे चले जाए, और अच्छे से मैं ब्लेंड करती हूँ अपने ब्रश को। तो मैं एप्पल्स ऑफ माय चीक्स पर नहीं अप्लाई करती, मैं चीक बोन्स पर अप्लाई करती हूँ क्योंकि इससे ना फेस पर एक अच्छा सा लिफ्ट आ जाता है, फेस काफ़ी ज़्यादा स्कल्प्टेड दिखता है, एज यू ऑल कैन सी ओवर हियर। फिर मैंने ब्लैक आई शेडो से अपने आईब्रोज को फिल इन कर दिया है। माय आईब्रोज आर सुपर डार्क ब्लैक, तो मैं ब्लैक आई शेडो ही इस्तेमाल करती हूँ फिल इन के लिए। एंड देन मार्स का ये मस्कारा, विच इज़ माय फेवरेट एंड बजट फ्रेंडली मस्कारा, इसे मैं अपने आई लैशेस को कोट करूंगी एंड दैट्स माय आई मेकअप। मैंने कोई भी फॉल्सीज अप्लाई नहीं किया है। ये है हाईलाइटर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स, 06 कॉस्मिक पावर है इसका शेड, विच इज़ वेरी प्रिटी हाइलाइटर।
और ये सिर्फ 99 रुपीज़ का है। इसमें ना और भी शेड्स अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं दो लिपस्टिक्स को अप्लाई करूँगी। ये पिंक शेड है, ये फेसेस कैनेडा का कॉम्फी मैट लिपस्टिक है। दिस इज़ वेरी ड्राइंग बट इसका जो कलर पे ऑफ है और ये लॉन्ग लास्टिंग पावर भी काफ़ी अच्छा है। और उसी सेम रेंज से ही मैंने ये ब्राउन कलर अप्लाई किया है एंड दोनों को मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी एंड सच अ प्रिटी शेड इट केम आउट टू बी। मुझे इस तरह से ना लिपस्टिक्स को मिक्स करके अप्लाई करना काफ़ी पसंद है एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक। मैंने जो रिफाइनिंग मिस्ट है उसे भी अप्लाई किया है अपने फेस पर ताकि एक हाइड्रेशन ऐड हो जाए मेरे फेस पर। मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे नहीं अप्लाई किया है बिकॉज दिस मोरल एक्ट्स एज अ सेटिंग स्प्रे ओनली। एंड आप लोगों को कैसा लगा ये मेकअप लुक नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। आई थिंक दिस मेकअप लुक इज वेरी अफोर्डेबल, वेरी इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली। आप किसी इंडियन वेयर के साथ इस लुक को इजीली कैरी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि नेक्स्ट आप कौन सा मेकअप लुक या कौन सा हॉल वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।